दोस्तों, आज की ये वीडियो मॉडर्न कैटल फार्मिंग टेक्नोलॉजी पर आज तक की आपके द्वारा देखी गई सभी वीडियोस से जरा हट के होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको दिखाएंगे सन 2021 की लेटेस्ट और बेहद ही मॉडर्न कैटल फार्मिंग टूल्स एंड टेक्नोलॉजी को, जो टूल यकीनन आपके होश उड़ा कर रख देंगे। इन सभी टेक्नोलॉजी और टूल्स का इस्तेमाल कर अमेरिका और यूरोपीय देशों के कैटल फार्म्स ढेरों पैसा कमा रहे हैं, और आज की ये वीडियो हम आप सभी भारतीय किसान भाइयों के लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बेहद ही मजा तो आने वाला ही है और आपके ज्ञान में भी असीमित बढ़ोतरी होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। वेल दोस्तों, नंबर एक पर है काउ मेडिकेशन मशीनरी। दोस्तों, जब कभी भी फार्म्स में बंधी इन गायों को मेडिसिन यानी दवाइयां देने की बात आती है, तो हमारे लिए इन गायों को नियंत्रित यानी कंट्रोल करना बेहद ही मुश्किल हो जाता है, और इसी समस्या का समाधान है ये काउ मेडिकेशन मशीनरी। ये मशीन गायों को किसी तरह की दवाई देने के लिए बेस्ट मशीन है। इसे इस्तेमाल करने के लिए बस एक वर्कर फ्रेम में बंधी इन गायों के सामने ये मशीन लाकर रख देता है, जिसके बाद इस मशीन में लगे इस स्टेरिंग को घुमाने पर गाय के मुंह के आकार के ये मॉल्ड्स यानी सांचे ऊपर की ओर उठ जाते हैं और गाय के मुंह को एक जगह पर फिक्स कर देते हैं। अब गाय अपने मुंह को हिला डुला नहीं सकती, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए ये वर्कर्स इन गायों को इस डिस्पेंसर के जरिए लिक्विड दवाई पिला देते हैं, और बाद में काम पूरा हो जाने पर इस स्टेरिंग को उल्टी दिशा में घुमाने पर गायों का मुंह दोबारा उसकी पकड़ से छूट जाता है। क्यों दोस्तों, है ना जबरदस्त। वेल नंबर टू पर है पटूरा कैटल क्रश A8000। दोस्तों, ये एक खास तरह की काओ चेकअप मशीन है। इसका इस्तेमाल वक्त वक्त पर गाय भैंस आदि मवेशियों की स्वास्थ्य की जांच और रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए किया जाता है। दोस्तों, इस मशीन का इस्तेमाल अक्सर विदेशों में मौजूद बड़े बड़े फार्म्स में गायों के हेल्थ स्टेटस और स्ट्रेस लेवल का ध्यान रखने के लिए किया जाता है, और ऐसा करना बेहद ही जरूरी भी होता है, क्योंकि ऐसा करने पर गाय मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी से दूध दे सकती है। वेल, इस मशीन को इस गार्डन में इस ट्रैक्टर के जरिए लाया जाता है, जिसके बाद इन सभी गायों को इन फ्रेम्स के भीतर एक कतार में खड़ा कर दिया जाता है, जिससे कि एक एक करके इन सभी गायों को इस एग्जामिनेशन चैम्बर से गुजारा जाता है, जहां शुरू करने से पहले एक वर्कर इन गाय के मुंह को इस जंजीर से बांध देता है, ताकि गाय जरा भी हिले डुले नहीं और चेकअप में कोई परेशानी भी ना आए। और इसी के साथ पीछे की ओर से इस लोक रॉड पैरों और बेस्ट पर होल्डिंग बेल्ट को लगा दिया जाता है, ताकि गाय पीछे की ओर ना जाए। और अब फाइनली इस गाय को ट्रेस टेस्ट किया जाता है, और यह वर्कर्स मीटर में आ रही सभी रीडिंग्स को नोट कर लेते हैं, और ऐसे ही यह प्रोसेस फार्म की सभी गायों पर दोहराई जाती है। दोस्तों, नंबर तीन पर है बेबी कॉफ फीडिंग मशीन। दोस्तों, अक्सर गायों के बछड़ों को माता गायों के नजदीक रखने पर बछड़े हद से ज्यादा दूध पी लेते हैं, जिससे फार्म मालिकों को तो काफी नुकसान होता ही है, साथ ही बछड़ों की तबीयत भी खराब हो जाती है, और इसी कारण से कई बछड़े इतने बीमार हो जाते हैं कि उनकी जान पर बन आती है। और इस समस्या का समाधान ढूंढ निकाला है पेचूरा कंपनी ने। असल में ये एक फीड प्रिपरेशन मशीन है। इसका इस्तेमाल बछड़ों को पावर्ड मिल्क फीड करने के लिए किया जाता है। इसके लिए यह वर्कर सबसे पहले इस मशीन में इस पाइप के जरिए वाटर यानी पानी को ऐड करते हैं, और उसके बाद इसमें इस खास तरह के मिल्क पाउडर को भी मिलाया जाता है, जिससे कि इस मशीन में बेहतरीन और गुनगुना दूध बनकर तैयार हो जाए, जिसके बाद इस गाड़ी को फार्म्स में ले जाया जाता है, और इसे देखते ही ये गायें खींची चली जाती हैं, क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका होता है कि इनका फेवरेट मिल्क आ चुका है।
वेल, इसके बाद ये सभी गायें इन सभी थनों के आकार वाले निप्पल को चूसकर दूध पान कर लेती हैं और फाइनली अपनी भूख शांत कर लेती हैं। नंबर 4 पर हम आपको दिखाएंगे बायोमेट्रिक FP2। दोस्तों, इस अजीब से नाम वाली मशीन का काम देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। असल में ये एक फीडर स्प्रेडिंग मशीन है। अगर इसी बात को सरल भाषा में कहें तो ये तवेलों के फ्लोर पर पड़े चारे को इवेंटली स्प्रेड करने वाली मशीन है। ये फ्यूचरिस्टिक सी दिखने वाली मशीन एक फार्म कीपिंग मशीन है। फार्म मास्टर के हाथ में मौजूद इस रिमोट कंट्रोल के एक कमांड पर ये मशीन गायों के सामने इधर उधर फैले चारे की खेप को गायों के फ्रेम्स की ओर सरका देती है और इस तरह फार्म्स में होने वाला चारे का नुकसान होने से बच जाता है। दोस्तों, नंबर 5 पर है काओ कैरियर व्हीकल। दोस्तों, अक्सर फार्म मालिक अपनी गायों को अपनी फार्म से दूर दवा दारू और बाकी कई कामों को अंजाम देने के लिए ले जाते हैं, जिसमें कि अक्सर उनकी सबसे बड़ी समस्या ट्रांसपोर्टेशन के लिए सही गाड़ी का चुनाव करना होता है। और ऐसे में किसान भाइयों के लिए बनाई गई ये WX काओ ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल बहुत ही कमाल की है। इसका इस्तेमाल करने के लिए ये हेल्पर इस बैक गेट को नीचे की ओर झुका देता है, जिससे कि ये एक रैंप का रूप ले लेती है और इसके बाद इसके दोनों ही हिंज गेट को कुछ इस तरह अरेंज किया जाता है, जिससे ये दोनों ही ओर एक रेलिंग का रूप ले लेती है, जो आप देख सकते हैं। इसके बाद अब बारी आती है इस गाड़ी को अंदर से देखने की। वेल, यहाँ हम आपको बता दें कि ये गाड़ी एक डबल डेकर गाड़ी, यानी कि इसमें कुल 2 अलग अलग फ्लोर्स हैं। आप चाहे तो इन पार्टीशंस ब्लॉक को लिफ्ट करके 2 अलग अलग फ्लोर को बना सकते हैं, जिससे कि एक ही वक्त पर आप कई सारे मवेशियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। फाइनली इन सभी गायों को इस गाड़ी में लोड कर ये फार्म मास्टर अपने मंजिल के लिए निकल चुके हैं। तो दोस्तों, अगर अब तक भी आप हमारी इस वीडियो में बने हुए हैं तो आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ऐसा सचमुच है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिए। वेल, अब बारी है लास्ट बट नॉट द लिस्ट नंबर 6 की, काओ हाइजेनिक सिस्टम। दोस्तों, ये कोई एक स्पेसिफिक मशीन नहीं है, बल्कि एक सेट ऑफ मशीन्स और फार्मिंग टेक्निक्स हैं। असल में गायों और फार्म्स में पल रहे अन्य मवेशियों से निरंतर मुनाफा कमाते रहने के लिए उनकी देखभाल करना बेहद ही जरूरी, और इसी कड़ी में उनकी हाइजेनिक यानी साफ सफाई का भी ध्यान रखना वक्त वक्त पर बहुत जरूरी होता है। वक्त वक्त पर गायों को नहलाना, उसके बाद शरीर पर लगे कीड़ों को रोलिंग मॉप के जरिए मसाज देकर हटाना, और साथ ही इस पूरे क्लीनिंग मैनुअल के तहत गायों की रेगुलरली शरीर पर बड़े हो रहे बालों और पूंछ के बालों की भी ट्रिमिंग की जाती है। इन्हीं सब छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखा जाता है ताकि ये सभी गाय ज्यादा दूध प्रोड्यूस कर पाए। तो दोस्तों, आप देख रहे थे डीपली अध्ययन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर से कर दें और हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का।